दोस्तों, मेरा नाम है अंचल कांगड़ा। हम लोग परेशान करने का। और दोस्तों, आज मेरे पास है ये, बहुत नहीं पता चला ये क्या है। दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस चीज़ को देखिए, कुछ नहीं, ये ऐसे ही फ़ोन की फ्लैश लाइट है। बहुत लोगों को पता चलेगा किससे कॉपी मारा है। लेकिन इस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़, और वो है ये। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने मंगवा ली है रास्पबेरी पाई। दोस्तों, इसको रखते हैं साइड में। इस बॉक्स के अंदर कुछ नए पुस्तकें हैं, और ये मैंने मंगाया है google.in से। और अब आ जाते हैं इस बॉक्स पे। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो इसका अनबॉक्सिंग ही करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके प्रोजेक्ट भी बता दूँगा। जी हाँ दोस्तों, और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दी है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसे फिर से बॉक्स में पैक कर दिया। दोस्तों, ये देखिए इस सर्किट को। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि रास्पबेरी पाई क्या है। तो रास्पबेरी पाई एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, जिससे आप कोई भी ओएस रन करा सकते हैं। इसमें आप विंडोज 10 टी से लेके रेट्रो पाई से लेके एंड्रॉयड भी रन करा सकते हैं। ज़रा इस छोटे से कंप्यूटर को देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक कंप्यूटर है। इसके अंदर आपको 4 USB पोर्ट, एक इंटरनेट पोर्ट, एक एक्सटर्नल स्क्रीन के लिए पोर्ट, और आप लोगों को इसमें एक कैमरा के लिए भी एक पोर्ट मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर कैमरा भी रन करा सकते हैं। इसके नीचे की साइड आप लोगों को यहाँ पे एक सिम मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक्चुअली आप लोगों को इस मेमोरी कार्ड के अंदर ही एक OS इंस्टॉल करके इसके अंदर डालना पड़ेगा। और इस साइड दोस्तों, आपको HDMI कनेक्टर और एक हेडफोन 3.5mm जैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर पड़ा है क्वाड कोर प्रोसेसर। दोस्तों जी हाँ, इसके इतने छोटे कंप्यूटर के अंदर भी पड़ा है क्वाड कोर प्रोसेसर। दोस्तों, और इसे पावर देने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे microSD पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके नेक्स्ट व्यू पार्ट में मैं आप लोगों को इस बहुत सारी चीज़ें बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बस इतना ही था।